राम प्रपन्न जी जी, जी, जी। महाराज जी जरूरी प्रश्न है, महाराज जी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन हम क्यों नहीं कर पाते महाराज जी? क्या त्रुटि है आपके ब्रह्मचर्य में? क्या त्रुटि है? कमजोरी तो हम अपनी जानते हैं ना कि हमारे द्वारा क्या त्रुटि हो रही है। अगर आपको संकोच लग रहा हो तो आप कागज में लिख के दे दीजिए। वो वृत्ति मन की जो है वो एकाग्र नहीं होती। उस सब की एकाग्र ना होने से ब्रह्मचर्य में कोई फर्क नहीं पड़ना, इसमें समझना। हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए इधर उधर दौड़ सकती है, इससे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ सकता। जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा है ना। हमारे इंद्री को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जो उसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं है कि उसको भ्रष्ट कर सके, पक्का समझ लेना। सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता रहता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है, दोनों का युद्ध चलता रहता है। एक दिन विजय हो जाती है और वो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। अब हमारा नाम चल रहा है, मानो हम जवान से ही बोल रहे राधा राधा राधा, और हृदय से विषय चिंतन कर रहे हैं, तो ये राधा राधा चैन नहीं लेने देगा, जलाएगा अंदर। तो वो एकाग्रता पूर्वक हम सरस चिंतन काम का कर नहीं पाए, इसलिए वो हमारे हृदय में प्रभाव नहीं डाल पाएगा। वो ऊपर ही ऊपर ऐसे और हमें क्लेश पैदा करेगा, तो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल। लेकिन अगर हम डूब गए उसमें तो आप कोई क्रिया करो चाहे ना करो, एक मनोवाह नाड़ी है वो आपके ब्रह्मचर्य को खींच करके बाहर कर देगी। शरीर की रचना ऐसी है, चिंतन से इतनी आपके अंदर वो मनोवाह नाड़ी वो सक्रिय हो जाएगी कि वो आपके सप्तम धातु को बाहर कर देगी। तो ऐसा मन एकाग्र ना होने से ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। मन एकाग्र हो गया तो सिद्ध पुरुष हो गया, जो रहे सदा एक रस, तो फिर ईश्वर जी में भेद कहो कस। अगर एक रस हमारी एकाग्रता रहे, ज्ञान रहे, तो भगवत स्वरूप में स्थित हो गया। तो साधकों का मन तो चंचल रहता है, क्योंकि मन यही तो लड़ाई होती रहती है। पर वो ऐसा नहीं है कि मन सरस भाव से काम में डूबने का साधक अवसर दे। हम तभी भ्रष्ट होते हैं जब हम सहारा देते हैं उसको, काम का कोई न कोई आश्रय हम दे देते, तभी भ्रष्ट। चाहे वो कोई क्रिया हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, इसे आप ढूंढ लीजिए। अगर आप उसके आश्रय नष्ट कर दिए तो स्प्रित होगा और खत्म हो जाएगा वो। अगर आश्रय है तो प्रेरित करेगा, वहां चलो, वो देखो, वो करो, हजार बार प्रेरित करेगा। उसका नाम मन मत, इतनी जोर से मन को मथेगा कि आप सब भूल जाओगे और वही कर बैठोगे, वही पहुंच जाओगे, वही। तो यह है उसका प्रभाव। तो हम कोई यदि हम गृहस्थ हैं तो एक हमारे यहां मर्यादा है, एक पत्नी व्रत आदि की नियमावली लेकर के धर्म पूर्वक। और यदि हम वैराग्य भावना में, तो वो आश्रय ही ना रखें, पक्का। अगर आश्रय रखेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं, जैसे हम किसी माता बहन की तरफ देखा, उसके अंदर काम नहीं है लेकिन स्वाभाविक रचना है, वो मृद मुस्कान के द्वारा देखना, बात करना, ऐसे अब वो स्वाभाविक बड़े निर्मल भाव से देख रहे, और मेरा मन है मलिन, मेरे मन को लगा कि वो मेरी तरफ ऐसी चेष्टा। अब कुछ नहीं हो कहा कि है क्या, अब बैठे बैठे भगवत चिंतन नहीं होगा, वही चिंतन होगा। इसीलिए जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुवनाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। यदि संपूर्णतया ब्रह्मचर्य रहना है तो पहली बात यह है कि हम ज्यादातर दूरी बना के रखें भगवत मार्ग के पथिक को। ऐसा चाहे किसी भी तरह से यदि आप बात करें, किसी भी तरह से, तो आपका मन आपको चैन नहीं लेने देगा, पक्का नहीं लेने देगा, बड़े बड़ों को नहीं लेने देता। आप क्या है,
बड़े बड़ों को मतलब जिनकी 2500 वर्ष की साधना जरा सा, तो इसलिए बहुत सावधानी। दूसरी बात, शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही ना, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है, अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा, अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता ला है, आप उससे कहो कि थोड़ा चिंतन कर, थोड़ी देर पड़े रह ले दो हमें, अब हमें चिंतन करने की सामर्थ्य, इसको इतना। इसीलिए जो साधु महात्मा जहां मान लो ऐसी सुविधा नहीं परिक्रमा आने की, तो आसनों पर, सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो, यहाँ की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो, बस उसी समय गंभीरता से मनी राम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है, धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मन जाएगा ही नहीं। मन जाने के लिए हम रास्ता रखते हैं तब, अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता पक्का, कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात है? साधारण बात नहीं, बहुत समझने की विषय बहुत। और आपको सच्ची बताएं, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से, वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे, आपके ये जो ऐसे बैठे हो लार बह रही है ये सब ब्रह्मचर्य, वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति है ब्रह्मचर्य, एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे, अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता, वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत ना हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे बहुत अच्छा रहता है, कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे अच्छा है, जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। अगर विरक्त मार्ग में चला तो भाई फिर ये आग का मार्ग है, इसमें थकाना होगा। जो साधक 6 बजे तक सुबह सोता है ब्रह्मचारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। जो साधक है 6 बजे सोता है, 6 बजे तक सोता है ब्रह्मचारी, 4 से 6 के बीच में निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए, ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठे, 4 के बाद तो फिर सैया पे नींद नहीं आएगी। अभ्यास होता, साधना का मतलब क्या होता है, 2-2.5 घंटे जैसे तैसे बिस्तर में, अब वो शरीर अस्वस्थ है तो पद्मासन से दासन में नहीं बैठ सकते, लेकिन सोफा में बैठ गए बैठे, ऐसा थोड़ी होता कि भाई अब सो रहे हैं, नींद ही नहीं आती, नींद में सुख ही नहीं है, वो सब बातें खत्म हो जाती है, कैसे उसको चैन पड़ेगा। इसलिए भाई सोना, जगना, खाना पीना, हर चेष्टा शास्त्र सम्मत करो, और ऐसा कोई अगर आश्रय हो तो उसे नष्ट कर दो। बेरुखी सबसे बढ़िया होता है साधक के लिए, अपना रुख किसी को ना दे, नहीं तो फंस जाएगा पक्का। उदासीनति रही गुसाई, इस मार्ग के पथिक को चाहिए, ज्यादा व्यवहार कुशल फंस जाएगा, ये माया है, भगवान की विश्व मोहिनी माया है। भगवत शरणागत रहो, सबसे उदासीन रहो, निरंतर नाम जप करो, शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा, कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए, सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ, अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमसे वो गलती हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, उसे आप जानते हैं, उसे सुधार लीजिए, बताने की जरूरत नहीं।